हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 115 में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है बीएससी अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो, आज का सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में कि प्रेम कुमार हैड सम करेंसी नोट्स इन द नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज, ठीक है। 50 रुपए के नोट थे उसके पास, 20 रुपए के नोट थे और 10 रुपए के नोट थे, ठीक है। सच डैट एटलीस्ट टू नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन वेयर प्रेजेंट विथ हिम, ठीक है। इस प्रकार की कम से कम दो तो उन लोगों के पास होंगे ही, ठीक है, दो होंगे ही, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कोई। ही हैड टू पे अ बिल ऑफ 200, 200 का उसे बिल देना है इन बिग बाजार। एंड वेन ही काउंटेड ही वॉज शॉर्ट ऑफ रुपीज 30। जब उसने काउंट किया तो उसके पास कितने रुपए थे, 30 रुपए कम, यानी कि 170 रुपए उसके पास थे, ठीक है। हाउ मेनी नोट्स डिड प्रेम कुमार है, प्रेम कुमार के पास कितने नोट्स थे ये आपको बताने थे। इस सवाल को एकदम ईजिली कर सकते हैं। दो दो नोट्स तो होंगे ही, तो दो दो नोट्स के अकॉर्डिंग रुपए कितने होंगे, 100 रुपए। यहाँ से 20 दुना हमारा 40 रुपए हो गए और यहाँ पे 10 दुना हमारा 20 रुपए हो गए, ठीक है। जब 20 रुपए हमारे पास हो गए तो 40 20 यानी कि 160 रुपए तो हो ही गए। हमें घट कितने रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए घट रहे हैं। और ये 10 रुपए हम इधर नोट बढ़ा के नहीं ला सकते हैं, सिर्फ इसी एक 10 रुपए को बढ़ा देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, 70। यानी कि ये वाला नोट हम लोग अगर एक बढ़ा देते हैं, 2+1 कर देते हैं, तो ये मेरा 170 रुपये यहाँ पे पुर जाएगा। और इसी के साथ हमें मालूम हो गया कि मेरे पास 50 रुपये वाले दो नोट थे, 20 रुपये वाले दो नोट थे और 10 रुपये वाले कितने नोट थे, 3 नोट थे। तो इसी के साथ हमारा जो नंबर ऑफ नोट्स हो गया, वो नोट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपये वाले दो नोट्स, 20 रुपये वाले दो नोट्स और 10 रुपये वाले दो और एक 3 नोट्स। इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 7 नोट्स एंड आंसर, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।